हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, जो है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर जो है हमको किस फॉर्मेट में जो है वीडियो अपलोड करना चाहिए, जो है ठीक है वीडियो अपलोड करना चाहिए, या वीडियो अपलोड करना जो है सुरक्षित है, जो है ठीक है, क्योंकि इसका संबंध जो है फेक स्ट्राइक से है, जो है ठीक है। मैं पहले ही इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ ताकि वीडियो को जो है पूरी तरीके से ध्यान से देखें, जो है क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, जो है आप सभी के लिए, जो है आप पुराने यूट्यूबर हो या फिर नए यूट्यूबर हो, जो है ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ही डीप जानकारी जो है मिली है, जो है ठीक है। अब आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब पर वीडियो किस फॉर्मेट में अपलोड करने का संबंध जो है मतलब कि एक स्ट्राइक से कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको जो पूरा डिटेल में A to Z जो है सब कुछ बताने वाला हूँ, जो है ठीक है। मैं आपको तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, जो है ठीक है, ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ सके इसके बारे में, क्योंकि ये आपके लिए जो है वीडियो जो है ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। इसको आप जानने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि YouTube वीडियो फॉर्मेट का जो है फेक स्ट्राइक से क्या संबंध है, जो है, और आपको जो है मतलब कि YouTube वीडियो जो है किस फॉर्मेट में मतलब कि आपको YouTube अपने चैनल पर जो अपलोड करना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा बात बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर दबा दीजिएगा। फिर बगल में आपको घंटी का बटन दिखाई देगा, वहां भी दबा दीजिएगा। फिर और पर भी जो है दबा दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो है कि वीडियो के फॉर्मेट से जो है फेक स्ट्राइक का जो है क्या संबंध है, जो ठीक है। और ये भी बताता हूँ आपको जो किस फॉर्मेट में आपको जो वीडियो जो है अपलोड जो है करना चाहिए, जो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग तो नए यूट्यूबर या छोटे यूट्यूबर हैं, जैसे कि मैं भी कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी नया ही हूँ जो है, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में जानकारी पता चली तो मैं सोचा कि जो इसके बारे में आप लोगों को जो बताया जाए, ठीक है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, जो है ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैक्सिमम यूट्यूबर जो है मतलब कि अपनी जो है मतलब कि वीडियो को एडिट जो है मतलब कि नॉर्मल कोई पावर डायरेक्टर में एडिट करता है, जो है मैक्सिमम लोग जो है काइन मास्टर में जो है अपने वीडियो को जो एडिट करते हैं, जो ठीक है, और MP4 मोड मतलब कि फॉर्मेट में जो है मतलब उसको जो है एक्सपोर्ट करके जो है मतलब उसको अपलोड कर देते हैं, जो है ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसका फेक स्ट्राइक से जो है क्या संबंध है, जो ठीक है, इस चीज को ध्यान सुनिएगा। जो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने, मैंने जो है काइन मास्टर से, पावर डायरेक्टर से, या किसी मोबाइल मतलब कि वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने वीडियो बनाया और उसको एडिट किया, जो है उसको जो है MP4 फॉर्मेट में जो एक्सपोर्ट करके जो है अपलोड कर दिया, जो ठीक है, वीडियो हमारे चैनल पर चली गई, ठीक है, अपलोड हो गया। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा जो है कि जब आप कोई यूट्यूब वीडियो जो पहले से वहां पे अपलोड की गई किसी दूसरे की वीडियो जो है, जब आप किसी डाउनलोडर से जब डाउनलोड करते हैं जो है, तो वो भी वीडियो जो MP4 फॉर्मेट में ही मतलब कि डाउनलोड होता है, जो है ठीक है, डाउनलोड होता है, और आप भी जो है मतलब MP4 में ही मतलब को अपलोड कर रहे हैं, जो है ठीक है। तो होता ये है जो है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि यहाँ पर YouTube पर बहुत लोग मतलब कि बहुत लोगों से मतलब जब कोई देखते हैं किसी का चैनल ग्रो हो रहा है या पैसा कमा रहा है, तो वो उससे जो मतलब जेलस फील करने लगते हैं, या फिर उससे पैसा निकलवाने के लिए जो है उसको जो है फेक स्ट्राइक देते हैं, जो ठीक है, जो कि फेक स्ट्राइक जाकर उसको जो है लग जाती है, जो क्यों लगती है, जो है क्योंकि वो उसका चैनल पर जो MP4 वीडियो फॉर्मेट अपलोड होने की वजह से जो है। अब वीडियो अपलोड क्यों, अब इस बात को थोड़ा पॉइंट ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो है समझने की कोशिश करिए इस चीज को मैं क्या बोलने वाला हूँ, जो है कि जैसे कि आपने MP4 फॉर्मेट में चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया, फिर जब डाउनलोड करते हैं तो MP4 फॉर्मेट में ही वीडियो जो है डाउनलोड होता है यूट्यूब की, जो है किसी दूसरे की वीडियो जो है अगर डाउनलोड करते हैं, तो ठीक है। जब आपको कोई फेक स्ट्राइक जब आपके वीडियो पर देता है, जो है ठीक है,
YouTube के एल्गोरिथम को ये लगता है कि जैसे इसने जो है मतलब कि YouTube से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से मतलब कि वीडियो डाउनलोड करके जो है और इसने जो वीडियो जो है मतलब कि YouTube पर जो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है MP4 फॉर्मेट वाले वीडियो को जो है आपको जो चैनल पर अपलोड है वीडियो जो है उसको स्ट्राइक लग जाती है जो है, ठीक है। अब मेरी बात आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि MP4 फॉर्मेट और उसका फेक स्ट्राइक्स से क्या संबंध है जो, ठीक है। तो आप वीडियो MP4 फॉर्मेट अपलोड कर दिए, MP4 फॉर्मेट डाउनलोड हो रहा है जो है, और फेक स्ट्राइक वाले ने आपको जो है फेक स्ट्राइक दे दिया जो है, और यूट्यूब एल्गोरिथम के अनुसार जो है वो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा जो, ठीक। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपको किस फॉर्मेट में वीडियो जो है मतलब कि अपलोड करना चाहिए जो। तो जैसा कि देखिए आजकल जैसे कि 4K के बारे में सुना होगा, 4K फॉर्मेट जो है, ठीक है, और एक होता है जो MOV फॉर्मेट जो है, ठीक है। तो इन्हीं दो फॉर्मेट में आपको जो है वीडियो जो है मतलब कि YouTube पर जो है अपलोड करना है एक्सपोर्ट करके जो है, ठीक है। तो जैसे कि आप 4K फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप जो है, तो 4K फॉर्मेट के लिए आपको जो है मतलब इस तरह का मोबाइल अगर आपके पास होगा जो है, जैसे कि जो कि 4K वीडियो मतलब रिकॉर्ड करता हो जो है सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो उस 4K वाले से रिकॉर्ड करके जो है जैसे कि अगर आप काइन मास्टर से अपना वीडियो एडिट करते हैं जो वहां पे जाएंगे आप रन एनालिसिस में जो जाकर वहां पर जो है मतलब कि वहां पर मतलब एनालिसिस रन कराएंगे जो है, जैसे कि हार्डवेयर वो जैसे कि डिटेक्ट करता है ना कि आपका मतलब कौन सा लेयर जो है मतलब कि आपका मोबाइल जो है मतलब कि सपोर्ट करता है काइन मास्टर के जो है, ठीक है। तो वहां पर आप रन एनालिसिस कराएंगे जो है तो वो 4K जो है मतलब डिटेक्ट करके जो है मतलब कि वो फिट पकड़ लेगा जो है, ठीक है। तो वहां से आपको दिखाएगा काइन मास्टर में भेजोगे, अगर आपका मोबाइल 4K है तो वहां से 4K आप जो वीडियो जो है मतलब कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो है, ठीक है। और अगर आपके पास 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल अगर नहीं है जो, क्योंकि जैसे कि सबके पास इतना स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है कि जो कोई 15,000 20,000 मोबाइल जो है मतलब कि खरीद सके जो है, या फिर अभी ये जानकारी आपको मिल रही है जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है मतलब कि अभी सडनली आप अचानक से कोई पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं भी कोई पुराना ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे में 4K सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सडनली अचानक से कोई मोबाइल जो है 15-20 हज़ार का नहीं खरीद सकता है जो, ठीक है। तो इसके वजह से कि मैं यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दिया है जो है, ठीक है। इस ऐप को जो है प्ले स्टोर में जाकर यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप जो है काइन मास्टर में, पावर डायरेक्टर में, या फिर जिस वीडियो एडिटर में आप जो है मतलब कि अपना वीडियो जो है मतलब अगर मोबाइल से एडिट करते हैं जो है, ठीक है, तो एडिट करके वहां से MP4 फॉर्मेट में ही मतलब वहां से एक्सपोर्ट करके जो है इस जैसे जो ऐप के बारे में बताया हूँ जो है ये वाला जो साइड में दिख रहा है आपको फोटो में, तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पे MOV फॉर्मेट में जो है, ठीक है, तो उसको जाके वहां से आप जो कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करके जो है MOV फॉर्मेट में जो है मतलब कि वीडियो कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करके उसके बाद MOV फॉर्मेट वाले वीडियो को जो है आप YouTube पर जो अपलोड करिए जो, ठीक है। जिसकी वजह से आप हमेशा जो है फेक स्ट्राइक से जो है मतलब कि आप हमेशा सेफ और सुरक्षित रहेंगे जो है, क्योंकि जब MOV या फिर जो है मतलब कि 4K जो है मतलब कि फॉर्मेट में आप वीडियो मतलब YouTube पर अपलोड करेंगे जो है, तो YouTube के एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कोई ओरिजिनल क्रिएटर है जो है जो कि खुद की वीडियो जो है बनाकर जो है मतलब अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है अपलोड कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आपके कोई वीडियो कोई फेक फॉर्मेट देता है जो है मतलब कि तो वो उसको नहीं लगेगा जो है, ठीक है, जब तक जैसे कि मान लीजिए कोई कॉपीराइट मतलब कि ना हो जो है, ठीक है। जैसे कि आप जिसे मैंने बताया थे फेक स्ट्राइक लोग क्यों देते हैं जो है, ठीक है। तो यही कनेक्शन है मतलब कि फॉर्मेट का जो है और वीडियो फॉर्मेट का और जो है फेक स्ट्राइक का जो है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा जो है, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे संबंधित अगर आपके कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं जो है, उसका रिप्लाई आपको जो है जरूर दूंगा जो है, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जाते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।